एक दिन GTA 5 में कुछ लोग यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे थे। ध्यान से सुनो, वो यहाँ पे कभी भी आ सकता है। बॉस ने हम लोग को एक आखिरी मौका दिया है। अगर हम लोग ने उसे नहीं पकड़ा तो बॉस पता नहीं हम लोग साथ क्या करेंगे। और ये सामने वाली गली पे एकदम नजर रखना, वो किसी भी पल आएगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। वैसे अभी दूर दूर तक यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा सब्र रखो, लेकिन हाँ, उसे पकड़ने के लिए तैयार है ना, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तुम इसकी परेशानी मत करो, मैंने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो हर हालत में उसे पकड़ के रहेगा। हा, ये तो कमाल की बात हुई। तो ठीक है, हम भी तैयार है, आने दो उसे। और दोस्तों, वो लोग उस जीप का इंतजार करने लगे। और देखते देखते काफी समय बीत रहा था। अरे, अभी तो बहुत देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हम लोग देखते हैं एक मिनी कार्नेज जो कि अभी ठीक से इवॉल्व नहीं हुआ था, ना ही उसके पास कोई होस्ट था। वो GTA के शहर में टहल रहा था। अरे, ये पता नहीं कैसी दुनिया है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ना तो ज्यादा जंगल है, ना ही कोई नदी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतने बड़े शहर में कैसे आ गया। ओके, एक काम करता हूँ, इस रास्ते से जल्दी जाता हूँ, शायद मुझे कोई मिल जाए। चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ क्यों लगी हुई है? कहीं ये लोग मेरा ही तो नहीं इंतजार कर रहे थे? अरे, यहाँ से डाना ठीक नहीं रहेगा, रास्ता बदलता हूँ। ए, देख क्या रहे हो, वो बच के भाग रहा है। अरे, भागो 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 भागो। हे, तुम लोग बेकार में घबरा रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे बच के भाग नहीं पाएगा। ऐ, बहुत जल्दी में लग रहे हो, क्या बात है, हम लोग साथ खेलोगे नहीं? अरे, मुझे तुम्हारे लादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कितना प्यारा बच्चा है। चलो, वैसे तो मुझे इसे सबक सिखाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बॉस ने कहा है तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो बच्चे, मुझसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, लेकिन यार बॉस के लिए तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। अले, कौन सा बॉस? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? अभी बताता हूँ, ये लो। अले, ये क्या, मुझे तो कलेंट लग गया यार, मैं तो बेहोश होला हूँ, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे, ये बच्चा तो बहुत खतरनाक है, ये भाग रहा है। ए, देख क्या रहे हो, रोको उसे। अले, लग गई दोबारा। अरे यार, मैं तो बेहोश हो रहा हूँ। ए बच्चे, तू यहाँ से बच कर नहीं भाग सकता है। अरे मैंने पहले ही कहा था, ये काफी मजबूत बच्चा लग रहा है, इसे किसी तरह जल्दी से पकड़ के यहाँ से ले चलो। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आखिरकार हम लोग ने इसे सुला दिया, इतनी भी जल्दी नहीं। ये तो सही में बहुत खतरनाक है, तभी तो बॉस को ये चाहिए था। चलो, किसी तरह पकड़ो, अभी काफी धीमा हो गया है। अरे, ये दोबारा भाग रहा है यार, इतनी जल्दी भागने ना पाए। अरे, भागो भागो भागो, ये लोग तो मुझे पकड़ के ले जाने वाले हैं। नहीं, तू तो इतनी जल्दी नहीं भाग सकता, रुक जा अभी। अरे चलो, आखिरकार मैंने इसे पकड़ लिया है। जल्द बॉस का बनाया वो गैजेट भी इसे रोक नहीं पाया। ये तो काफी तगड़ा कारनेज का बच्चा लगता है, लेकिन आखिर ये बॉस को क्यों चाहिए? अरे हमसे क्या मतलब यार, अगर चाहिए होगा तो हम लोगों ने ले आए, हम लोग को जो चीज मिल रहा है उससे हम लोग खुश है ना। हाँ, ये बात तो है, लेकिन जरा ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा चालाक है, कहीं कार से कूद ना जाए। अरे नहीं, अभी तो ये बेहोश है, अगले आधे घंटे तक तो मुझे तो नहीं लगता इसे होश आने वाला है। अरे यार, मैं होश में तो हूँ, लेकिन यार चल नहीं पा रहा हूँ, कूदने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं यार, कार तो बहुत तेज चल रही है, अगर मैं कूदूंगा तो गिर जाऊंगा। ओके, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बॉस के पास जल्दी पहुँचना है, क्योंकि अगर हम लोग ने लेट किया और एक कार्नेज का बच्चा बच के भाग गया तो बॉस यार हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। अरे, पता नहीं कौन से इसके बॉस है, मुझे कहाँ ले जा रहा है। अच्छा वो हम लोग आखिरकार बॉस के पास पहुंच गए, वो भी सही सलामत। आओ, अब ये मत कहना कि तुम लोग से कोई गलती हो गई। नहीं बॉस, कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हाँ, वो कारनेज का बच्चा हम लोग की सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला, वो हार मारने को तैयार ही नहीं था। ये तो अच्छा हुआ आपने जो गैजेट दिया है जिसकी मदद से हम लोग उसे किसी तरह पकड़ लिए। लेकिन बॉस ये बताइए, आप करना क्या चाहते हैं? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे ना, बस पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है बॉस, चलो अब एक काम करो, उस कार्नेज के बच्चे को उस पे रख दो जहाँ पे बहुत लाइट जल रही है। ओके ठीक है, मैं अभी रखता हूँ। भाई पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन ये काम तो करना ही पड़ेगा। आज यार इसे उठाओ, ये काफी। आखिरकार मेरा एक सपना पूरा होगा, बरसों से कार्नेज मेरा दुश्मन रहा है और मैं हूँ गोल्ड एंटी वेनम का होस्ट बनाने का
एक नया टेक्निक लेके आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इस कार्नेज को गोल्ड कार्नेज में कन्वर्ट करके अपने फायदे के लिए यूज करूँ। तुम लोग तो जानते हो आजकल गोल्ड की कितनी डिमांड हो गई है, जिसे देखो वो ज्वेलरी पहनता है या अपनी गोल्ड कार खरीदता है। लेकिन मेरे पास कुछ ही गोल्ड है, लेकिन मैं एक ऐसा कार्नेज बनाने वाला हूँ वो जो जिस भी चीज़ को छू देगा वो चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। लेकिन बॉस, अगर इतने गोल्ड हो गए तो गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। चुप रहो, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब तुम निकल सकते हो। ठीक है बॉस, जैसा आप कहिए। अरे भाई, कहीं हम लोग ने तो गलती नहीं कर दी ये बच्चे को पकड़ के? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये चाहता क्या है। लेकिन यार अगर इसने बोला है कि चलना चाहिए तो हम लोग को निकलना चाहिए। और भाई चलो, अब ये रास्ता ठीक नहीं है। अबे क्या हो गया, पैसे मिले कि नहीं? हाँ भाई, पैसे तो मिल गए, लेकिन मुझे इस वैनम के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। कोई बात नहीं, अभी हम लोग बाद में आएंगे, फिलहाल यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। हाँ तुम सही कराओ, चलो। चलो अच्छा हो मुझे होश आ गया, लेकिन मेरी बॉडी के कलर को क्या हुआ? ये मैं क्या बन गया? स्वागत है तुम्हारा बच्चे, मुझसे मिलो, मैं ही तुम बनाया हूँ। लोग मुझे कहते हैं वैनम, लेकिन तुम वैनम जैसे नहीं लग रहे। लगता है तुमने अपना भी कलर बदला है। सिर्फ कलर नहीं, मेरे अंदर बहुत सी खूबी आ गई है जो पहले नहीं थी। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए गोल्ड बनाओ। क्या कहा? अरे मैं कैसे गोल्ड बना सकता तुम्हारे लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। ए, तेरी जबान बहुत चलती है। चल, तू जिस भी चीज को छुएगा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अच्छी बात है। तो चलो पहले मैं इस पिंजड़े को छूता हूँ, देखता हूँ। ये लो, मैंने छू दिया। अरे ये तो कोई गोल्ड वोल्ड नहीं बना। लगता है तुझ पे अभी हमें और पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी तुझे और एक्सपेरिमेंट करवाना पड़ेगा, तब जाकर तू रियल गोल्ड कार्नेज बन पाएगा। अरे नहीं, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मैं भाग रहा हूँ। ए बच्चे रुक जा। नहीं मैं नहीं रुकूंगा, भागो किसी तरह, पूरी जान लगा के भागो। ए यार, हम लोग यहाँ फिशिंग करने आए थे, शिनचैन कहाँ रह गया? अरे फ्रैंकिन भैया रुकिए, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा उधर स्विमिंग करने चला गया था। शिनचैन पहले ये बताओ, तुम घर से नहा के आए हो ना, फिर भी तुम्हें स्विमिंग करने जाना है? अरे क्या बताए फ्रैंकिन भैया, यहाँ का पानी देख के मजा ही आ गया था। चलिए चलिए, कुछ फिशिंग मिली है आपको? अरे उसे फिश कहते हैं शिनचैन, फिशिंग मतलब कि हम लोग मछली पकड़ रहे हैं। हाँ वही चीज यार, ज्यादा टीचर मत बनिए, अभी आपकी ट्यूशन क्लास नहीं चल रही है, समझे कि नहीं? अरे यार शिनचैन आजकल तुम बहुत बोलने लगे। अरे फ्रैंकिन भैया ब्रेक लगाइए, वो देखिए वहां पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर का। कहाँ शिनचैन, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अरे चलिए तो। अच्छा ठीक है, रुको गाइस, हम लोग चल रहे हैं। अबे हाँ भाई, यहाँ तो कुछ तो है। अरे हाँ फ्रैंकिन भैया, वो देखिए, लेकिन वो यहाँ पे कैसे पहुंचा? अरे शिनचैन मुझे तो कोई खतरनाक जानवर लग रहा है। अरे नहीं, मुझे तो लगता है उसे हेल्प चाहिए, कुछ कीजिए फ्रैंकिन भैया। अच्छा रुको, जाते हैं। अबे भाई ये क्या चीज़ यार, शिनचैन की जैसे जाना पड़ेगा, आओ जल्दी शिनचैन। क्योंकि फ्रैंकिन भैया मैं भी आ रहा हूँ। अरे मेरे पास मत आना तुम लोग। अरे कुछ मत होगा यार, डरो मत, हम लोग कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। अरे तुम भी मुझे ले जाके एक्सपेरिमेंट करके गोल्ड का बना दोगे? क्या कहा, एक्सपेरिमेंट गोल्ड? अबे शिनचैन भाई ये क्या बोल रहा है? फ्रैंकिन भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लगता ही काफी डरा हुआ है, क्यों ना हम लोग इसे घर पे ले चले। हाँ तुम सही कहते हो। अरे तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है, यानी तुम अच्छे आदमी हो। ये क्या कह रहे हो, मतलब बच्चे वो लोग जिसके पास बच्चे उनके पास अच्छे आदमी है? पता नहीं ये कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा है शिंजन। अरे फ्रैंकिन भी अजीब बात तो आप कर रहे हो, देखो ना वो कितना डरा हुआ है, इसे घर पे ले चलो, उसको खाना खाना खिलाओ, उसके बाद ही कुछ बात करेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो ठीक है गाइस, हम लोग इसे जल्दी से घर पे ले चलते हैं। अच्छा लाइक दोस्तों, यार इतना देर से वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग लाइक किए कि नहीं? हाँ शिनचैन कर दिए हो यार, अभी मेरी बोट भाग रही है, रुको यार पहले बोट लेके आए जल्दी से। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर पे ये भी रहता है? अरे फ्रैंकलिन ये देखो, ये मुझसे डर रहा है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, मैं इतना डरावना लगता हूँ क्या? अरे नहीं चौक, तुम तो बहुत सुंदर लगते हो। अच्छा ठीक है, अरे ये बताओ लेकिन तुम क्या हो, क्या चीज हो, तुम्हें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे बताता हूँ, मैं हूँ कार्नेज, मेरे पास कोई होस्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तो है, मैं ये गोल्ड का कार्नेज बन गया हूँ। जो क्रिएटर मुझे बनाना चाहता था वो ये चाहता था कि मैं जिस भी सामान को छूऊं वो गोल्ड का बन जाए। अरे भाई तब दूर हटो, ये मुझे सोने की मूर्ति बना देगा। अरे चौप डरने की बात नहीं है, मैंने ट्राई किया था,
लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तो जो आदमी था, यानी कि जो ईबल वेनम था, उसने कहा कि वो मुझ पे और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तब मैं मौका देख के भाग आया और भागते भागते समुन्द्र किनारे निकल गया और वहां पर मैं सो गया। तब तुम लोग मुझे मिले। ओ, तो ये बात हो गई थी फ्रैंकलिन भैया। तब तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्यों ना हम लोग इसे टोनी भैया के पास ले चले। हाँ शिनचैन, तुम्हारी बात में तो काफी दम है। अच्छा, ये टोनी कौन है? कहीं वो भी मुझे कुछ नहीं बना देगा? अरे भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? चलो हम सब लोग चलते हैं। ठीक है, चलो मुझे ले चलो। ओ, तो इसे कहते हैं गोल्ड फ्यूजन। असल में हुआ क्या है, वो जो वैनम है ना, उसे मैं जानता हूँ। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो उसको ये कार्नेज का सिम्बियोट मिल गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी पे एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। और वो इस एक्सपेरिमेंट से बहुत अमीर बनना चाहता था। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट तभी कंप्लीट होगा जब इस सिम्बियोट को कोई होस्ट मिलेगा और वो होस्ट अपग्रेड होगा। अबे यार, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपको भले कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है। टोनी भैया ये चाहते हैं, वो जो कार्नेज का वो पपी आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप उसके होस्ट बन जाए तब वो ठीक हो सकता है। अरे भाई नहीं, मैं कार्नेज और नेज होस्ट नहीं बनूंगा। देखो फ्रैंकलिन, शिनचैन बात को समझ गया लेकिन तुम समझ नहीं पाए। असल में बात यही है, अगर वो किसी भी तरह तुम्हारे साथ मिल जाएगा तो तुम गोल्ड कार्नेज बन जाओगे। उसके बाद तुम जाके वो ईवल वेनम को हरा पाओगे और बाद में जाके ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है इन सबको बंद कर पाओगे। अरे ये भी बात होती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था ये सब करने के लिए एक होस्ट चाहिए। अच्छा टोनी भाई, आप ये बताइए, क्या ये कार्नेज मुझे अपना नहीं होस्ट बना सकता? मैं खुद गोल्ड का बन जाऊंगा, जिसे कहा जाएगा गोल्ड चॉप। अरे नहीं चॉप, असल में ना ये कार्नेज को एक ह्यूमन होस्ट चाहिए। तो टोनी भैया, आप ही क्यों नहीं इसे अपना होस्ट बना लेते? अरे मेरा मतलब है, मैं इसका होस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा जो आर्क रिएक्टर है ये अलाउ नहीं करेगा। ओ, तब मुझे बना दीजिए इसका होस्ट। अरे नहीं शिनचैन, तुम इसके होस्ट बनने लायक नहीं हो क्योंकि तुम एक छोटे बच्चे हो, इसे एक तगड़ा तंदुरुस्त होस्ट चाहिए। अच्छा, आप तो मेरी तारीफ कर रहे हो ताकि मैं इसे अपना होस्ट बना लूँ। अरे ये तुम्हें नहीं, तुम इसे अपना होस्ट नहीं बनाओगे, ये तुम्हें अपना होस्ट बनाएंगे। हाँ वही बात होती है। तो बताओ फ्रैंकलिन, क्या तुम तैयार हो? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तो चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, क्यों ठीक रहेगा? कार्निश तुम तैयार हो? देखो फ्रैंकलिन, होस्ट बनने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तुम्हें इस बबल के अंदर जाना है और कुछ देर खड़े रहना है। उसके बाद तुम अपने आप गोल्ड कार्निश बन जाओगे और ये होस्ट तुम हो जाओगे। ठीक है यार टोनी, तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप तो बहुत डरते यार। इससे अच्छा मैं काम कर लेता, लेकिन मैं आपकी तरह लंबा चौड़ा और भद्दा नहीं हूँ। क्या कहा शिनचैन तुमने, दोबारा बोलो तो? अरे मेरा मतलब मैं आपकी तारीफ कर रहा था, बहुत ताकतवर है। अच्छा चलो ठीक है भाई, यार ये काम करते हैं। ओके भाई, थोड़ा तो डर लग रहा है। ओके भाई साहब, ये क्या? अरे मैं तो फ्रैंकलिन भैया से कंबाइन हो गया हूँ। देखा फ्रैंकलिन, मैं इसी की तो बात कर रहा था, तुम बन गए हो गोल्ड कार्नेज। अरे यार, पहली बार आपकी शक्ल और खराब लग रही है। शिनचैन तुमने क्या कहा? फ्रैंकलिन भैया को ऐसा मत बोलो। अच्छा मैं समझ गया, तुमसे कंबाइन हो गया है इसलिए ये भी गुस्सा कर रहा है। ओके चलो ठीक है गाइज, यार तो अभी मैं गोल्ड छू के गोल्ड बना सकता हूँ? नहीं फ्रैंकलिन, अब ये तो शुरुआत है, तुम्हें और अपग्रेड होना पड़ेगा, उसके बाद तुम ये काम कर पाओगे। ओ फ्रैंकलिन, तुम तो काफी कमाल का लग रहे हो, कुछ ताकत दिखाओ ना। चलो सबसे पहले मैं जंप करके देखता हूँ। अबे दो शिनचैन कहाँ से आ गए? अरे फ्रैंकलिन मैं डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरा एक पुतला है, बताओ कैसा लगा? अबे शिनचैन ये सब करके डराया मत करो यार। तो चलो ठीक है गाइस, हम लोग यहाँ से जंप लगाने की कोशिश करते हैं। ओके अबे भाई, अरे इतनी लंबी जंप लगा पा रही है, ये तो कमाल हो गया। क्यों फ्रैंकलिन भैया, मजा आया कि नहीं? हाँ मजा तो बहुत आया, लेकिन मुझे अपग्रेड होने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलो फ्रैंकलिन, हम लोग साथ मिलकर अपग्रेड होंगे और वैनम का सबक सिखाएंगे।